हेलो एवरीवन, आई एम गी साहू। वेलकम टू एग्जाम जोश चैनल। आज मैं 14 जून से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ। ये खबरें सभी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप मेरी ये खबरें डेली सुन रहे हैं तो इससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको निश्चय ही हेल्प मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इमेज से रिलेट करके करंट अफेयर याद करने में काफ़ी आसानी होती होगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। हाल ही में 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बनीज में जागरूकता दिवस मनाया गया है। यह दिवस हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 13 जून को मनाया जाता है। एल्बनीज में जन्म के समय मौजूद एक दुर्लभ और अनुवांशिकी स्थिति है। उप सहारा अफ्रीका में एल्बनीज बहुत ही आम है। तंजानिया में 1400 लोगों में एक का अनुमान लगाया गया है और जिम्बाब्वे में 1000 में एक से अधिक का। आपको बता दें, इस बार एल्बनीज दिवस की थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 75 साल से ऊपर के जितने भी वृक्ष हैं उनके रख रखाव के लिए 2500 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गाँव में पंचवटी के नाम से पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, सभी शहरों में 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक की भूमि पर आक्सी वन लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत लगभग 3 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत आने वाले पेड़ों की, जैसे बरगद, आंवला, अशोक और वृक्ष पीपल, बरगद, इस तरह के पेड़ इस योजना के तहत लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, हरियाणा में ही सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना राज्य के साथ साझेदारी की है। यह परियोजना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के साथ मिलकर शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट को अभी एक्सपेरिमेंट बेसिस पर शुरू किया गया है। BVLOS ड्रोन फ्लाइट के जरिए लोगों को वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है, सीएम के चंद्रशेखर राव हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, तेलंगाना में ही कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और मृगावानी नेशनल पार्क है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में IIT खड़गपुर ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जल्द से पता लगाने के लिए एक तकनीकी विकसित की है। इस तकनीकी द्वारा तूफान आने से पहले ही बवंडर और भंवरदार हवा का पता चल जाएगा। वैज्ञानिक इसकी पहचान करने के लिए 2 चीज़ों के बीच न्यूनतम दूरी को आधार बनाते हैं। इसका पैमाना 27 किलोमीटर से 9 किलोमीटर का है। इससे बनने वाली तस्वीर का मूल्यांकन करके तूफान का पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें, इस तकनीकी से कम 4 दिन पहले तूफान आने का पता लगाया जा सकता है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी पांचवी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा नियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस अधिनियम के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वृक्षों को मिलेगा विरासत का दर्जा और हर 5 वर्ष के बाद पेड़ों की जाएगी गणना। वृक्षारोपण पर नजर रखने के साथ साथ पेड़ों की कटाई, छटाई और देखभाल किया जाएगा और 33% सरकारी भूमि का उपयोग भी किया जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, सीएम उद्धव ठाकरे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र में ही नवागांव नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क और बोरीवली नेशनल पार्क है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी छठी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में SBI बैंक ने COVID-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च किया है। इस योजना द्वारा कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित हजारों लोगों को बुरे समय में लाभ मिलेगा। यह पूरी तरह से कोरेटलर फ्री लोन होगा और तो और इसके तहत 5 साल की अवधि के लिए 5 लाख रुपए का लोन लेने का विकल्प दिया जाएगा। अब बात करते हैं SBI बैंक की। SBI की स्थापना 1955 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी सातवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है।
अब बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, सीएम विजय रूपाणी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, गुजरात में ही ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और मैरिन नेशनल पार्क है। आपको बता दें, गुजरात का फेमस लोक नृत्य गरबा और डांडिया है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी आठवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में माइलैब कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया है। पुणे की माइलैब कंपनी देश की पहली कोविड 19 सेल्फ टेस्ट किट कोवी सेल्फ विकसित की है। यह कंपनी डायग्नोस्टिक, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु की दवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। अभिनेता अक्षय कुमार को लोगों को इन उत्पादों के इस्तेमाल, सुरक्षा और दक्षता के बारे में जागरूक करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी नौवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में डीबीएस बैंक ने फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी दसवीं और अंतिम बड़ी खबर की ओर। हाल ही में गूगल कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण करेगी। आपको बता दें, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी के कहने के अनुसार वीडियो का एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर दिया है, अगर सच में मेरी मेहनत आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।